तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग जस्ट बाइक को यहाँ पर पार्क कर दिए हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर पार्क करते हो बाइक को तो यहाँ पर आप लोग को कुछ सामान लेना पड़ेगा जैसे कि नारियल वगैरह। तो हम लोग भी ले लिए हैं, तो क्योंकि ये मेन मंदिर है इसलिए हम लोग भी भाई सामान ले लिए हैं, और यहाँ से भाई हम लोग पैदल यात्रा करने वाले हैं। अभी फिलहाल गाइस हम लोग जाना स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ से भाई हम लोग आपको दर्शन कराने के लिए भाई जा रहे हैं बहुत अच्छे से। और भाई भीड़ की वजह से हम लोग को अभी पैदल जाना पड़ रहा है, नहीं तो बाइक भी आ जाता है अगर आप लोग ऑफ सीजन में आते हो तो। भाई वैसे तो मैं भाई पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाते हुए चलेंगे नज़ारा वगैरह कि यहाँ पर कौन कौन से सामान वगैरह है, क्या क्या चीज़ है, ये सब चीज़ भाई आपको दिखाते हुए चलेंगे। पीछे कैमरा करके भी आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से भाई माहौल है, भीड़ कुछ ऐसा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अगर आप लोग नवरात्रि सीजन में आते हो तो, ऐसा कुछ आप लोग को दृश्य वगैरह देखने के लिए मिलेगा। बाकी देख सकते हो हर जगह भाई यहाँ पर भी सामान वगैरह मिल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। देख सकते हो यहाँ पर आपको हर प्रकार के सामान मस्त सस्ते मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई इतने सारे दुकान है भाई मत पूछो भाई, कहीं ना कहीं आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर भाई वही कंपटीशन को जैसे भी सामान सस्ते मिल जाते हैं, तो अगर आप लोग को भाई मतलब आप लोग अगर लेडीज़ हो तो भाई फिलहाल आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग आकर सस्ते सस्ते में भाई सामान ले जा सकते हो। तो शॉपिंग करने के लिए भी भाई बेस्ट जगह है, अगर आप लोग आते हो तो मस्त दर्शन भी करिए माता जी का, और सामान वगैरह भी खरीद कर ले जा सकते हैं। और एक चीज़ रहता है ना कि यादगार, भाई यादगार के लिए हम लोग कुछ कुछ सामान लेते हैं, क्योंकि भाई हमें याद रहता है कि हम लोग इसको चंद्रपुर में लिए थे। ऐसा भी हुआ है निशुल्क जूता चप्पल स्टैंड, तो यहाँ पर अगर आप लोग आते हो जूता चप्पल पहन के तो भाई यहाँ पर निशुल्क यहाँ पर रख सकते हो। बाबा जी आप यही रहते हो क्या? हाँ अभी नवरात्रि भर यही रहोगे? तो देख सकते हो अगर आप लोग आते हो तो बाबा जी आप लोग को यही मिल जाएंगे, और ये नवरात्रि भर तो यही फिलहाल रहने वाले हैं, और शिव शक्ति दोनों। ठीक है। तो देख सकते हो गाइस ये है बाबा जी हमारे। गाइस आप लोग को बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, और आपको यहाँ से जस्ट एंट्री करना है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से भाई आपका अंदर एंट्री होगा, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे भाई प्रतिमा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो जस्ट एंट्री में ही आप लोग को बहुत सारे प्रतिमा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो। और यहाँ पर हर जगह आप लोग को मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से भाई भीड़ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल गाइस भीड़ खाली हो चुका है, और जस्ट अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। वैसे भाई मैं तो सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, आज हम लोग को शायद दर्शन करने के लिए मिलेगा, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ही ज़्यादा भाई साहब आपको क्या बताएं। बाकी हम लोग ऐसे ही आपको बाहर से घूम घूम के दिखा देंगे। ये लोग भाई बहुत टाइम से भाई वेट कर रहे हैं, देखो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से भीड़ है भाई, वहाँ तक पूरा पीछे तक भीड़ है भाई, पीछे तक हर से हज़ार लोग भाई यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। देख सकते हो पूरा सभी लोग भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं माँ चंद्रहासी देवी का दर्शन करने के लिए। देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से लोग भाई भीड़ में लाइन लगाए हुए हैं, और सब लोग भाई इच्छुक हैं दर्शन करने के लिए। भूत बंगला भी है, अगर आप लोग अंदर जाना चाहते हो तो भाई मात्र शायद 30 रुपये लगता है टिकट का, मेरे को तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बाकी उस टाइम आया था तो 30 रुपये लगा था, अभी भी 30 रुपये ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग अंदर जाना चाहते हो तो अंदर जा सकते हो। वैसे अभी फ़िलहाल हम लोग अभी अंदर जाएंगे और आपको क्लस दिखाएंगे, ज्योति क्लस। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है गाइस, क्योंकि इतने सारे दीपक जल रहे हैं, देख सकते हो बहुत सारे क्लस जले हुए हैं, तो भाई गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे भाई मेरा पूरा बॉडी तप रहा है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे भाई दिए जल रहे हैं, क्लस जल रहे हैं कि भाई आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ अंदर आने के बाद, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वैसे गर्माहट हो रहा है और थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, अंदर आप लोग को आने का परमिशन मिल जाएगा। वैसे अभी बाहर जाने के बाद मैं पूछूंगा कि कितना यहाँ पर ज्योति क्लस जल रहे हैं, वैसे गिनती तो नहीं कर सकते, बहुत सारे ज्योति क्लस हैं। तो फिलहाल बाहर जाएंगे और बाबा जी से पूछेंगे कि भाई कितना ज्योति क्लस जल रहा है। यहाँ कितने ज्योति क्लस जल रहे हैं अभी टोटल? यहाँ टोटल तो 2100 जल रहा है। 2100 देख सकते हो गाइस, यहाँ पर 2100 ज्योति क्लस जल रहे हैं भाई, आपको क्या होता है 2100। देख सकते हो माता जी का सब लोग दर्शन करने के लिए भाई लगे हुए लाइन में, और एक एक करके बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और हो सके तो आप लोग जल्दी आइएगा फिर आप लोग माता जी का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, देख सकते हो। तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग का दर्शन करने का काम हो चुका है, और हम लोग माता जी का दर्शन करके आ चुके हैं,
और भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। वहाँ पर वैसे कैमरा अलाउड नहीं था अंदर में, इस कारण से भाई वीडियो नहीं बना पाया। भाई ब्लॉगर होने का यही फायदा यार कि हर जगह परमिशन मिल जाता है। इतना ज़्यादा भीड़ होने के बाद में देख सकते हैं सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, क्योंकि भाई सबको भगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ते जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी आ जाते हैं। और बहुत लोग देख सकते हो ये वाला ट्राई कर रहे हैं, जो कि भाई हम लोग बचपन में ट्राई किया करते थे सब लोग। भाई सिक्का चिपका रहे देख सकते हो, ऐसा यार मैं भी चिपका के देखता हूँ, क्या पता मेरा किस्मत अच्छा। कुछ भाई लोग मिल गए थे भैया, कहाँ से हो आप लोग? सारंगढ़ से आओ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा भाई प्रतिमा बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को सामने से फ्रंट से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल गाइस हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और बाहर का दृश्य आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। वैसे अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि भाई मेरा दर्शन करने का काम हो चुका है। और भाई यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ, मेरे को गुड फील हुआ भाई। मैं सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं ये भी नहीं सोचा था कि मेरे को भाई नवरात्रि के सीज़न में माता जी का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आ गया और माता जी का दर्शन कर लिया। एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि भाई मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो ये चीज़ मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि भाई मैं एक बात बताऊँ भाई, मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो भाई मेरे को हर जगह परमिशन मिल जाता है। अभी उतना ज़्यादा भीड़ था भाई और मेरे को दर्शन करने का परमिशन मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचा नहीं था भाई कि मेरे को दर्शन करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भाई मैं जैसे वहाँ गया और मेरे को भैया लोग बोले कि जाओ दर्शन करके आ जाओ, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और वहाँ भी गया था ना, तो वहाँ भी मैं भाई सोचा नहीं था कि मेरे को ज्योति क्लास के अंदर जाने दिया जाएगा, बट वहाँ पर भाई मेरे को जाने दे दिया गया यार। मतलब यही चीज़ है फ़ायदा ब्लॉगिंग करने का कि भाई हर जगह परमिशन मिल जाता है। वैसे कुछ इस तरीके से भाई लोग आए हुए हैं और कुछ कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं।